बस मेरी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। अरे ऐसा घुमा के ढीले हाथ से मारा कि मेरा जबड़ा हिला दिया कमबख्त ने। और क्या छोटी सी बात थी, मैंने बस इतना कहा कि भाई अगर इतना ही जोरों का इश्क चल रहा है तो जाओ जाके शादी कर लो, हम दे देंगे गैरों को अपनी लड़की जिनका ना कोई अता ना पता। बस ये बात हुई और उस चपेट खा ली मैंने अपने मुंह पे, या हमारी क्या। मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसी की जरूरत नहीं है कि जहाना बेगम के आगे बकवास भी कर सके, लेकिन उसने तो हाथ ही पार कर ली ना। अरे दीदों का पानी डल गया, मैं कसम खा रही हूँ रुमाना, मुझे आज लगाने मेरा भाई मर गया। मेरे भाई का हाथ मेरे सर से क्या उठा, उसकी औलाद का हाथ उठ गया मुझसे। दुनिया को दिखाने के लिए सही, लेकिन हम साथ खड़े हो सकते हैं। क्या पता साथ रहते रहते हम फिर से करीब हो जाएं। कब आए बेटा? बस अभी। मामी आप कह रही थी ना कि रिश्तों में दम नहीं रहा। पता नहीं ये बात सही है या गलत, लेकिन आज जब मैं दफ्तर से निकला तो घर जाने के बजाय मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके पास आना चाहिए। प्लीज चले मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी इन्हें हॉस्पिटल। क्यों, मैं क्यों नहीं ले जा सकता? इतना अजनबी हूं क्या मैं? क्यों इतना अजनबी कर दिया तुमने मुझे? कि दोस्तों से मदद मांग सकती हो तुम, लेकिन मुझसे नहीं कह सकती। क्या हो जाएगा अगर तुम और मामी हमारे पास आके रहेंगे तो? सारा हम क्या ये सब कुछ भूल नहीं सकते? क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है, क्यों अपने ही से आया है ये दर्द जो बनाया है। मामी मैं आपको आज अभी इसी वक्त यहां से लेके जाऊंगा। अपनी बेटी को समझा लें आप, मैं इसकी एक बात नहीं सुनूंगा। मामी मामी आप ठीक है? मामी सारा 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 जल्दी आओ। अम्मी क्या है? अम्मी हाँ क्या है? अम्मी बहुत एम्बुलेंस कॉल करो। हाँ क्या है आपको? अम्मी क्या है आपको? हेलो ठीक है, क्या हुआ है आपको? अम्मी